तेरे पोते की बनाए रखूंगा, पर पोते के आगे भी बनाए रखूंगा, पर बस इसके बाद मैं तेरी गद्दी छीन लूंगा, क्योंकि जितना तू मुझे देगा उतना मैं तुझे वापिस करूं। बैठ जाओ, सुनो ध्यान से। फिर परमेश्वर ने जब दाऊद को बोला था, परमेश्वर ने कहा था, दाऊद मैं तुझसे इतना खुश हूं कि तेरी गद्दी लाइफ टाइम, जब तक तू जिएगा, तेरे बच्चे जिएंगे, जब तक इस धरती पे तेरा अंश रहेगा, गद्दी दूर नहीं होगी। इसका मतलब अगर मेरी पवित्रता ही 40% है, 40% है, मेरी ब्लेसिंग भी 40% है। अगर मेरी प्रेयर लाइफ, अगर खुदा के साथ प्यार, मेरी कमिटमेंट सेवा के लिए अगर 80% है, तो मेरी ब्लेसिंग भी 80% है। इसका मतलब मैं जो कुछ खुदा के साथ करूंगा वो मुझे वापस करेगा। जब कोई ब्लू फिल्म देखेगा तो खुदा उसके हाथ पकड़ने नहीं आएगा, पर वो रिजल्ट आपकी लाइफ में नजर आए। जब आप परमेश्वर के सामने चलेंगे, आप जैसा चलेंगे आप वैसा परमेश्वर से फल पाएंगे। बाइबल कहते हैं येहू ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, बड़े बड़े राजाओं को मार दिया, परमेश्वर के सब दुश्मनों को मार दिया, जो कुछ खुदा ने कहा सब कुछ किया, एक काम नहीं किया। परमेश्वर ने कहा ठीक है, अब एक काम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुझे भी नहीं मारूंगा, तेरे बच्चे को भी नहीं, तेरे पोते को भी नहीं, पर पोते के पोते तक मैं तुझ पे दया रखूंगा, उसके बाद नहीं। और लिखा यहूदा का राजा जब प्रभु से फिरा, परमेश्वर ने उसके राज्य को कम किया। हालेलुया। जब परमेश्वर के सामने आपकी कमिटमेंट बढ़ती है, वो आपको फैलाता है, आपके बिजनेस को इंक्रीज करते हैं, आपके मेंटल लेवल को, अनॉइंटिंग को, ब्लेसिंग्स को, पीस को, शांति को, आनंद को, पारिवारिक उन्नति को आपकी लाइफ में वो बढ़ाता है। जब आपकी कमिटमेंट, आपका काम, आपका वायदा, आप प्रभु के साथ जब और अधिक अधीनगी में चलते हैं, अब आप पे निर्भर करता है आप कितना चलना चाहते हो, परमेश्वर पे नहीं। कितना ऊंचा जाना चाहते हो आप डिसाइड करेंगे, कितना फैलना चाहते हो, बड़े होना चाहते हो आप डिसाइड करो। हालेलुया। गुरदासपुर की चर्च जो आज दुनिया के लिए अचंभा बन चुके हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हजारों लोग, लाखों लोग, क्योंकि उसको बढ़ाने से पहले खुदा ने मेरी कमिटमेंट को बढ़ाया। और अभी अमृतसर की बारी आने वाली, आप जितना पवित्रता में बढ़ेंगे परमेश्वर आपके किंगडम को, आप जितना कम होंगे वो आपको उतना, आपको उतना कम करता जाएगा। एक बच्चा जो अपने माता पिता के कहने में नहीं, मां बाप उसे मारते तो नहीं है, पर जो प्रॉपर्टी उसको 10 करोड़ देनी है उसको बोलते नहीं 1 करोड़ ठीक है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तू कमाई के 10वें हिस्से से मुझे परखेगा मैं रखने की जगह नहीं दूंगा, इतनी आशीष दूंगा रखने की जगह नहीं होगी। सुनो, आप जितने मर्जी अनॉइंटेड हो, मैंने अपनी लाइफ में जब टाइम से टाइथ नहीं दिया, हमने मिनिस्ट्री में फिजूल खर्ची देखी है जिसे कोई दूर नहीं कर पाया। अनॉइंटेड होने के बावजूद जब टाइम पे टाइथ दिया, फिजूल खर्ची भागती देखी। एक एक दिन में अगर 5 लाख टाइथ दिया, 50 लाख का खर्चा कम होते देखा है। उसका वचन इतना पक्का, इतना सच्चा और इतना पावरफुल है। सेम मिनिस्ट्री, वही मीडिया, वही लोग, वही टेंट, और खर्चा महीने का 50 लाख कम।
परमेश्वर कहता है तू भाग कितना भाग सकता है, जब तू वचन पे खड़ा होगा तो काका मैं भी तेरे साथ हूं। नहीं ये खर्चा, जब भवन बनाना है, ये करना है, सब साइड पे उसका वचन नंबर वन। अगर आपके घर के खर्चे आप टाइट से मैनेज करने लगोगे वो बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। आपको कई बार बताना पड़ेगा शैतान को कि तू कर खर्चा, मैं टाइट निकालना भूलूंगा नहीं, और खुदाबंद बरकत देना शुरू करेगा। वो आपको बताएगा उसका वचन कितना पावरफुल है और वो कितना जरूरी है, और वही लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन है जहां से आप चढ़ाई चढ़ोगे, अपनी फ्लाइट पकड़ोगे। तो जब मैं ये बाइबल को पढ़ता हूं तो मुझे तो सारे सीन आंखों के सामने आते हैं कि क्या जबरदस्त बाइबल है। एक राजा जितना प्रभु को दे रहा है, प्रभु उसके किंगडम को उतना बढ़ा रहा है। जितनी उसकी कमिटमेंट कम हो रही, परमेश्वर उतना उसको सिकुड़ रहा है। जितना वो कमिटमेंट बढ़ा रहा है, परमेश्वर उसको उतना ही बढ़ा रहा है। इसलिए आप अपनी लाइफ में कहां तक जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को कहां तक लेके जाना चाहते हैं, वो आप पे निर्भर करता है, परमेश्वर पे नहीं। आप बीड़ी नहीं छोड़ना चाहते, नो प्रॉब्लम, ऊपर से आवाज नहीं आएगी बीड़ी छोड़ दो, पर वो बीड़ी आपको सीमित रखेगी, वो टिकटॉक आपको सीमित रखेगा। लो मजे टिकटॉक के, किसने रोका है? किसने रोका नहीं, पर फिर लिमिटेड लाइफ जीने के लिए तैयार रहना। पर यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। जब यीशु मसीह से प्यार हो जाएगा, आपको 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 संघर्ष नहीं करना पड़ेगा कि मैंने ये कुछ देखने है या मैंने कुछ करना है गलत। संघर्ष खत्म होगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं अबंडेंस लाइफ देने के लिए आया हूं, बहुतायत का जीवन, बहुतायत की हीलिंग, बहुतायत की ब्लेसिंग, बहुतायत की आशीष, बहुतायत की शांति मैं देने के लिए आया हूं। आपको शांति पाने के लिए अपने बच्चे के सुधारने की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रभु के साथ कमिट हो जाएंगे, शांति अपने आप आएगी। आपको अपने बाप के स्वभाव के चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कमिटमेंट में परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे और शांति और स्वभाव अपने आप चेंज होते जाएंगे, अपने आप बदलाव होता जाएगा आपके आसपास, और परमेश्वर ऐसी सिचुएशंस बना देगा आपकी लाइफ में, आपके परिवार की लाइफ में, कि सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा। क्योंकि वो ग्रेस, वो फेवर जो खुदा के साथ कमिटमेंट करने पे आपकी लाइफ में आती, आपको फॉलो करेगा। हालेलुया। दूसरा पत्रस उसकी एक बाब उसकी दो आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम पर बहुतायत से बढ़ती जाए। सब बोलो आमीन। इसका मतलब अनुग्रह बढ़ सकता है, शांति बढ़ सकती। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, पर आप उससे कितनी लेना चाहते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आप करियाने की दुकान पे जाते हो, आपको चीनी चाहिए एक किलो या एक क्विंटल, आप सोचेंगे। एक किलो से खुश हो तो खुश रहो, जिसको एक क्विंटल चाहिए वो एक क्विंटल लेके जाएगा। इसमें लिखा कि परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। यूनानी भाषा में पहचान का मतलब है एपिग्नोसिस। जब आप परमेश्वर को पहचानते प्रैक्टिकली, आपको पहचान है कि नहीं मैंने ये नशा नहीं करना है, नहीं मैंने पेंट का ठेका लिया, हां घर में घुसे अब भैन जी 4 दिन का ही काम है बस,
फिर वो 40 दिन निकलता ही नहीं, फिर ऐसा लगता है जैसे बंदा स्लो मोशन दिलाया हूं। जब तक उसे मालूम है मैं दूसरे घर का ठेका नहीं मिलेगा, मैं इस घर से जाऊंगा नहीं, क्योंकि उसको पहचान नहीं यीशु मसीह। जब पहचान होती आप धोखा नहीं देते हो, आप सीधा मुंह पे बोलते हो जो दिल में। हालेलुया। और परमेश्वर आपको अनुग्रह देते हैं बिना झूठ बोले भी अपने बिजनेस से पैसा कमाने का। आप डायरेक्ट बोलते हो कि ये 6 दिन का काम है, मुझे ठेका दे दो 3 दिन में खत्म कर दूंगा, वो बिजनेस है। पर आप झूठ बोल के अंदर एंटर करोगे और 6 दिन का काम 10 दिन में करोगे, ये पाप है। और उसने कहा, कहता जब परमेश्वर की पहचान तुम में बढ़ेगी, अनुग्रह बढ़ेगा और शांति बढ़ेगी। अगर मुझे आज 1 लाख लोग यहां पे हैं, अगर मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे अनुग्रह चाहिए। क्योंकि सेवा वरदानों का मामला नहीं, सेवा ग्रेस का मामला है। बड़े बड़े वरदान पाए हुए लोग, चर्च नहीं बढ़ती उनकी, क्योंकि ग्रेस चाहिए आप साथ में। आमीन। ग्रेस कहता बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी जब पहचान बढ़ेगी। आप करियाने की दुकान पे जाओगे, आपको 1 किलो चीनी चाहिए कि 10 किलो चाहिए, ये आप पे निर्भर करता है। अब प्रभु के पास शांति है, आपको थोड़ी लेनी है, ज्यादा लेनी है और लेनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। कहता जब पहचान बढ़ जाएगी परमेश्वर की, और जैसे जैसे तुम उसको अधिक के बाद अधिक पहचानते जाओगे, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लागू करके, कहता तुम्हारा अनुग्रह बढ़ेगा और तुम्हारी शांति बढ़ेगी। अगर अनुग्रह बढ़ा तुम सेम नहीं होगे। अगर अनुग्रह तुम्हारा 1 लाख से 2 लाख लोगों का हो गया, 2 लाख लोग अपने आप आ जाएंगे, बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा, बच्चे अपने आप तौबा कर लेंगे, शांति अपने आप बढ़ जाएगी, हर चीज अपने आप होगी जब अनुग्रह बढ़ेगा। पर कहता वो बढ़ेगा कैसे? कहता जब तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ोगे।